चारों तरफ फैली ये पीली चादर राम तिल के फूलों की है, जिसे मधुमक्खी पालन के लिए सोने पे सुहागा माना जाता है। इसी वजह से मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में दूसरे जिलों, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के किसान मधुमक्खी पालन करने के लिए आते हैं। वो यहाँ किसानों से जमीन लीज पर लेकर मधुमक्खी पालन करते हैं। खासियत यह है कि यहाँ पे जो ना एक ही टाइप का बोले तो ये रमतिल्ला, ये फसल स्पेशली होती है यहाँ पे, और दूसरा जो राई, इसके ही संग संग राई भी चलती है। तो किसी कारण से अगर रमतिल नहीं चलता है तो हमें ना इसमें आपके राई का सपोर्ट मिल जाता है। मधुमक्खी पालन में किसानों का दोहरा फायदा छिपा है। पहला, इससे फसलों में परागण अच्छा होता है जिससे उत्पादन बढ़ता रहता है। दूसरा, शहद और वैक्स बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है। इसे देखते हुए कृषि विभाग जिले के किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग देने के अलावा सब्सिडी पर मक्खियों के बक्से भी मुहैया करा रहा है। लगभग 20-21 किसानों को हमने प्रशिक्षण दिया है और अभी कुछ किसान अच्छा कर रहे हैं, जिसमें से 3-4 इस क्षेत्र में हमने, ये हमारे कृषि विभाग की एक शाखा है आत्मा परियोजना, आत्मा परियोजना में जो समूह बनाए गए हैं जैविक समूह, उसके अंतर्गत भी इस कार्यक्रम को हमारे उप संचालक कृषि ने उसमें समावेश किया है। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी के अलावा छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में लगभग 87,000 हेक्टेयर जमीन पर राम तिल की खेती होती है। ऐसे में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी से दीपक नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।